तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए पुराने दोस्त रूस का चुनाव किया। पीएम मोदी का रूस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। हालांकि पीएम मोदी की रूस यात्रा से चीन और पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी ही है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी परेशान हैं। इस वीडियो में हम भारत और रूस की दोस्ती की कहानी पर एक सरसरी निगाह डालेंगे। साल 1469 में रूस का एक व्यापारी अफनासी निकितिन उत्तरी मॉस्को के एक शहर टवेर से भारत पहुंचा। उसके नाव महाराष्ट्र के अलीबाग के पास वहीं उतरी जहां से कुछ ही दूर 25 साल बाद वास्को डिगामा कालीकट के पास पहुंचा था। निकितिन महाराष्ट्र के पास बीदर में बहमनी राज्य में 3 साल के लिए रहा। इसी के बाद से भारत रूस संबंधों की शुरुआत हुई। वोल्गा से गंगा के बीच कारोबार शुरू हो गया। 1615 के बाद से गुजरात से व्यापारी वोल्गा नदी के किनारे बसे अस्तरखान आते और अच्छी किस्म के सूती कपड़े बेचते। ये कपड़े तब के रूसी शासक यानी जार को इतना भाते कि वो भारतीयों को राजधानी मॉस्को में अच्छे कपड़े बेचने के लिए कहते। जार शासकों ने मॉस्को में एक भारतीयों को वस्त्र उद्योग कायम करने की मंजूरी भी दे दी। रूस में भारतीय कारोबारियों का एक संपन्न समुदाय विकसित हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक तत्कालीन रूस और अब के यूक्रेन के एक प्रांत ओडेशा में जन्मे माइक्रोबायोलॉजिस्ट व्लादिमीर हेफकान 1893 में भारत आए। वो यहाँ पर करीब 22 साल रहे। उन्होंने मुंबई में रहकर हैजा के संक्रमण के बारे में पता लगाया। उन्होंने तब जानलेवा बन चुके प्लेग और हैजा के खिलाफ टीके को आविष्कृत भी किया जिसने हजारों जिंदगियां बचाई। वो मुंबई में एंटी प्लेग प्रयोगशाला के 1899 में संस्थापक निदेशक थे। बाद में उनके सम्मान में इस प्रयोगशाला का नाम हेफकाइन इंस्टीट्यूट रख दिया गया। भारत की आजादी के बाद भी वो रूस ही था जो हर कदम पर भारत के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। आजादी के बाद जब भारत दुनिया के नक्शे पर मजबूती से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था तब तत्कालीन सोवियत संघ ने उसकी मदद की थी। भारत में हम आज जो औद्योगिकरण देख रहे हैं उसकी नींव रखने में सोवियत संघ का बड़ा योगदान रहा है। भारत में बोकारो भिलाई के कारखाने, भागड़ा नागल बांध, हैदराबाद फार्मायूटिकल प्लांट, दुर्गापुर संयंत्र जैसी ऐसी कितनी ही मिसाल हैं जिनकी स्थापना में रूस का बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर राग से दुनिया वाकिफ है और इसी कश्मीर के लिए सोवियत संघ ने अपना 100वां वीटो किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 जून 1962 को आयरलैंड ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन थे। वहीं अस्थायी सदस्यों में चिली और वेनेजुएला ने भी अपना समर्थन दिया था। उस वक्त सोवियत संघ ने दोस्ती निभाते हुए वीटो किया और पश्चिमी देशों की साजिश को नाकाम कर दिया। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जबरदस्त जीत हासिल की थी। 1971 में भारत ने रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे जिसके मुताबिक अगर भारत पर हमला किया जाता है तो इसे सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा और इसके लिए सोवियत संघ अपनी सेना भेजेगा। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। दोनों ही युद्ध का परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में चाहते थे। 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने मान्यता दे दी थी और उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप के लिए अपनी नौसेना के 7वें बेड़े के एक हिस्से को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दिया था। वहीं ब्रिटेन ने अपने शक्तिशाली युद्धपोत HMS ईगल को अरब सागर की ओर रवाना कर दिया था। जवाब में सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को वहां पर भेजा था। रूस के साथ सीधे टकराव की आशंका के मद्देनजर अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा था। सोवियत संघ की दोस्ती की वजह से ही अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाएं विफल हो गई और भारत की इस युद्ध में जबरदस्त जीत हुई। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश उभरा। भारत आज दुनिया भर में अपनी अंतरिक्ष परियोजनाओं के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में भी भारत की मदद के लिए उसके सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त रूस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस की मदद से तैयार किया गया था। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। वहीं विंग कमांडर राकेश शर्मा का अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कहना भी सोवियत संघ की मदद से ही संभव हो पाया था। सोवियत संघ के सोयूज T-11 स्पेस शटल के जरिए ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे।
मोदी के रूस दौरे से अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश बेहद परेशान हैं। दरअसल इन देशों को ये चिंता सता रही है कि व्यापार और रक्षा सहयोग सहित रूस के साथ भारत की लगातार भागीदारी यूक्रेन में रूस की आक्रामकता को रोकने के दबाव के इंटरनेशनल कैंपेन को कमजोर करेगी। अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है। इस साल की शुरुआत में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने ये रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर रिपोर्ट जारी की थी, जो फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के समय से 13 गुना बढ़ चुकी थी। यही वजह है कि भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 64 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। इसमें भारत का निर्यात केवल 4 अरब डॉलर है। दरअसल पश्चिम का मीडिया ये बताता है कि यूक्रेन में हमले से पहले की तुलना में रूस आज ज्यादा समृद्ध है। इसकी बड़ी वजह भारत और चीन है, जो रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदार है। वहीं चीन भी भारत और रूस की दोस्ती से जाहिर तौर पर चिढ़ता है, लेकिन मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि रूस भारत का न सिर्फ सबसे पुराना बल्कि आजमाया हुआ दोस्त है, और ये दोस्ती इसी तरह से बढ़ती रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।